ये देखिए अभी ये जो भी ऑटो खड़ा है वो लोग अभी फ्री में खाना बांट रहे हैं। अभी मैं भी उधर से लेने वाला हूँ। भाई का नाम है अवधेश चौधरी। ये भाई ने मुझे गया से ये कौन सा जगह है डोभी तक लिफ्ट दिए हैं। करीब 20 किलोमीटर होगा शायद। और भाई को टाटा करने का समय आ गया है। भाई निकल रहे हैं अपने घर और हम जा रहे हैं वाराणसी। चलिए धन्यवाद। अभी हम निकल रहे हैं यूपी की तरफ वाराणसी। अभी चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक लिफ्ट मिलता है। अभी चलते रहे करीब 7-8 किलोमीटर के चलने के बाद कुछ धोबी से मुझे ये भाई ने जो भाई का नाम है टीटू भाई उसने मुझे अभी लिफ्ट दिए हैं 10 किलोमीटर की। अभी ये भाई मुझे लाके अभी शेर घाटी की तरफ छोड़े हैं। ये रहा शेर घाटी। अभी हम जा रहे हैं वाराणसी, देखते हैं फिर अभी चलेंगे, देखते हैं कहाँ पर लिफ्ट मिलता है। अभी हम एक लॉरी के अंदर बैठे हैं। ये जो राजेश कुमार भाई है इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है दिल्ली जाके। अरे यार अभी हम अगर वाराणसी नहीं जाते तो डायरेक्ट दिल्ली निकल जाते। अभी हम वाराणसी घूम के दिल्ली जाएंगे ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, हाय कर दीजिए। चलिए धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये गाड़ी अभी उड़ीसा से ही आ रहा है चंडीखोल जो है जाजपुर के पास, जिधर मैं आया था, जिधर होके मैं आया था उसे ही उधर से ही गाड़ी आ रही है। मुझे पता नहीं चला, फिर ये भाई ने मुझे बताया कि ये गाड़ी चंडीगढ़ से ही आ रही है, जहाँ तो रहा है हरियाणा। हम बीच में वाराणसी में रुक जाएंगे। चलेगा अच्छा ये नदी कौन सा है फिर से बोलिए नाम। नाम है सोन नदी। सोन नदी अच्छा, ये पूरा का पूरा सूख गया है। नहीं अभी पानी था ना, अभी आ गया पानी। अच्छा अच्छा डैम चलता है तो बंद हो जाता है। तीन डैम है। तीन डैम है, अरे वाह। तीन जगह तीन पावर प्लांट है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके ऊपर में जोड़ो है नया बना उसके ऊपर अच्छा। खाली कोर्ट से निकला था ये, अब हो गया आज पांच दिन हो गए घर मुझे मेरे रूम से निकालते। तो आज पांचवा दिन है, मैं उड़ीसा से झारखंड होके बिहार होके वही बिहार बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ। और 40 किलोमीटर शायद होगा अभी। ये भाई थी जो हमारा राजेश भाई है, ड्राइवर है लॉरी का, वो मुझे लिफ्ट दे हैं डायरेक्ट कहाँ से 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर की लिफ्ट दिए है। थैंक्स टू हिम। सामने से हट गाड़ी से हट। आज मैं एक दिन का कच्चा ड्राइवर हूँ। ले लेना। हाँ ले रहे हैं। यूपी में स्वागत है अभी हमारा। यहाँ सब क्या हो चलू रहता ना। हाँ इसका ताली अलग होता है। हाँ वो तो अलग ही है। अच्छा ये परमिट है। अभी बिहार खत्म हो गया इधर से, हम अभी चेक पोस्ट पार करके आ रहे हैं। अभी हम माता गंगा के जो नदी है उसकी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। चलिए दिखा दें आपको, आधा तो सूख चुका है। गंगा भी जल्दी हो यूपी बिहार में स्वागत है आपका सुभाष जी। हम पहुंच चुके हैं अभी वाराणसी, टाटा करने का वक्त आ गया।
हम निकलते हैं अभी वाराणसी की तरफ। ऑटो वाले भाई ने हेल्प किए हैं और भी लेके जा रहे हैं। शाम के नज़ारे में वाराणसी का जो नज़ारा है देखो कैसा लग रहा है अभी, और भी अच्छा लग रहा है गंगा घाट। तो ऑटो वाले भाई ने मुझे गंगा घाट का जो पास सी एरिया है इधर से 2-3 किलोमीटर दूर होगा, शायद 4 किलोमीटर दूर होगा, वो इधर में आके मुझे छोड़ दिए। जो एंट्रेंस है वाराणसी का, अभी हम इधर से निकल रहे हैं पैदल। एरिया है ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और इतना ट्रैफिक है, देखिए ये बस कम ट्रैफिक है आज बोल रहे हैं, इतना है कम है इधर। ये देखिए बनारस का नज़ारा, शाम का नज़ारा, ये तो टाउन का ही है। आपको कुछ देर बाद घाट का, गंगा घाट का जो आरती होता है उसका नज़ारा दिखाते हैं। भागीरथी हम दोष भरे है भरोस यही की परोस तिहारे। इतना सुंदर आखिर में गंगा घाट पहुंचे। जिन्होंने इस रचना को मूर्त रूप दिया, ये 80 घाट है आपके समक्ष प्रस्तुत कराया। इतना देर हो गया, मैं बहुत खुश हूं कि जल्दी आके एक बार वीडियो रणवीर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं काल को रखता हूं, देना पड़ेगा आज आधा घंटा लेट की वजह से, काल मुझे एक दिन याद रहेगा। देखो कितना क्राउड है इधर। बैक अगेन गाइस, अभी मैं एक वाराणसी में इधर गंगा घाट में एक आदमी को मिला, जो एक फॉरेनर है मिस्टर थॉम, वो जो है वो 58 इयर्स और 60 के आसपास होंगे, वो यूरोप के रहने वाले हैं। वो मिले मुझे, मैं पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले, तो बोले कि मैं इधर सीखने आया हूँ। आज द एज ऑफ 58 वो इधर सीख रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया में जो छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 10th के बाद और नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए इतना इंस्पिरेशन है। मिस्टर थॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो PhD हुए इधर से, देखा इधर से PhD कर रहे हैं पीस फील्ड में एट द एज ऑफ 58।